राहुल गांधी का एक महीने का खर्च कितना है? नोटबंदी को लेकर बार बार भाजपा और पीएम मोदी पर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पहले ये बताएं कि जो 2000 के दो नोट उन्होंने नोटबंदी के वक्त बैंक से निकाले थे वो खत्म हुए या नहीं। नोटबंदी हुए एक आध दो दिन बीते होंगे, अखबारों में राहुल गांधी की तस्वीर आई। राहुल गांधी ने लाइन में लगकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 4000 रुपये प्राप्त किए थे। राहुल के चेहरे पर विजय मुस्कान थी। उस पल राहुल इतना खुश थे मानो उन्होंने कद्दू में तीर मारा हो या फिर पीएम की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया हो। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। राहुल गांधी न तो कभी लाइन में ही दिखे, न ही कभी उन्होंने हाथ में पैसे पकड़े फोटो खिंचाई। बात आगे बढ़ाने से पहले हमारे लिए ये बताना बेहद जरूरी है कि तब भी और अब भी राहुल गांधी नोटबंदी को लेकर लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर हमला कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने नोटबंदी को मोदी सरकार का बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का इरादा देश के बड़े उद्योगपतियों के काले धन को सफ़ेद करना था, इसलिए नोटबंदी कोई गलती नहीं थी। नोटबंदी जानबूझकर बड़े उद्योग घरानों के लिए रास्ता खोलने के उद्देश्य से की गई थी। 2000 के दो नए नोट लेकर बैंक से वापस आते राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी में 15-20 उद्योगपतियों, जिन पर बैंक का कर्जा था, आम आदमी की जेब से पैसा निकालकर सीधा इनकी जेब में डाला। साथ ही पीएम मोदी ने अपने मित्रों के काले धन को सफ़ेद करने का काम किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अहमदाबाद जिला कोऑपरेटिव बैंक, जिसके डायरेक्टर अमित शाह हैं, उस बैंक ने 750 करोड़ रुपये के पुराने नोट बदले। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि नोटबंदी के दौरान बंद हुए लगभग सभी पुराने नोट वापस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कुल 99.30% 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट वापस आ चुके हैं। हम लोग आम आदमी हैं, राहुल गांधी खास आदमी हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि तब हम लोगों को भी राहुल की ही तरह 4000 रुपये ही मिले थे, जो 4 दिन नहीं चले थे। राहुल गांधी का 4000 आज तक चल रहा है। ऐसे में शायद हमारे लिए ये मान लेना सबसे बेहतर है कि उनका 4000 गुल के फूल से छू गया है, जो लगातार चक्रवृद्धि ब्याज दिए जा रहा है और राहुल गांधी का सारा खर्च चल रहा है। अब चूंकि राहुल का खर्च चल रहा है और वो न तो एटीएम के बाहर ही दिख रहे हैं न लाइन में, तो बहुत सी बातें अपने आप साफ हो गई हैं। इतनी बातें जानने के बाद हम बस राहुल गांधी से इतना ही कहेंगे कि सर, हम लोग आम आदमी हैं और दूध से जले हैं, जो छांझ भी फूंक फूंक कर पीता है। पीएम मोदी हमें 8 नवंबर 2016 की उस रात 8 बजे वैसे ही कबूतर के दूध से बनी बर्फी खिला चुके हैं। अब आप और अपनी बातों से हमारा कड़वा मुंह मीठा कराने का प्रयास न करिए। हमने आदत डाल ली है एडजस्ट करने की, मगर बात बस इतनी है कि अब हमारे अंदर और एडजस्ट करने की हिम्मत नहीं बची है।